तो वहां पे चूहा था और यहाँ पे बिल्ली थी। यहां से वो भाग के आई, मैंने उसको बोला कि भाई तू चूहे को पकड़ के दिखा ना, तू बिल्ली के नाम पे कलंक है, ये सच्ची की बिल्ली के नाम दिखा पे दिया कलंक दिखा सच्ची दी। में, तू भाई कुछ नहीं कर सकती, तू बैठ और मच्छियां खा, सिर्फ और सिर्फ चावल मच्छियां। छोड़ती है ना इसलिए अक्कल भी छोटी है। क्या देख रही है, चूहा चला गया इधर। हाँ क्या देख रही है, चला गया चूहा। जिसको बिल्ली नहीं दिख रही हो, यहाँ पे भाग गया चूहा तेरा। और ये रहा, शर्ट काफी कम्फी है तो मेरे पास पिलो कवर नहीं है, इस पिलो पे कवर नहीं है, तो यहाँ पे इसने देसी जुगाड़ किया है, कुर्ता पहना दिया, चद्दर लगा दी, कुर्ता पहना दिया। वाह बेटे वाह, मानना पड़ेगा तेरे को। हाँ अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी ना, सही में, अच्छी लीडर, इसके लिए मैं सर्कुलर रिश्ता ढूंढ रही तरीके से, हूँ। लेट मी करेक्ट इट, अच्छी वाइफ बनूंगी ना, इसके लिए मैं हाउसवाइफ रिश्ता ढूंढ रही हूँ, बनाऊंगी इसको बीवी बना दी। पति को पता नहीं क्या बनाएगी मेकअप कर करके। नहीं, मैं अपने पति को बहन नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं करना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है 4th of September, एंड अभी हम लोग तामाशिरी के घर में, पीछे बैकग्राउंड देख के पता ही लगा ही सकते हो, और आज शाम तक हम लोग निकल जाएंगे। अभी फिलहाल स्नेहा शायद गई है बाहर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह का सामान करने के लिए, इवन दो मैंने उसको बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, बट स्टिल ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए भी शायद गई है, मुझे सब डर लग रहा है। लेट्स सी क्या प्लान बनता है, क्या होता है। अभी अगर हम लोग कुछ फन करते हैं तो ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे आज के ब्लॉग में। ऐसा कुछ एज ऑफ सच कुछ प्लान है नहीं, लेकिन वायनाड का प्लान हमें आज बैठ के कंप्लीट करना है कि कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे और कितना बजट रखेंगे और सब कुछ। क्योंकि एक होता है ना कि हम साथ में काम भी कर रहे हैं और हम लोग घूम भी रहे हैं, तो वी हैव टू मेंटेन द बजट एट द सेम टाइम। सो लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज ऑन एंड देन उसके बाद देखते हैं। बाय द वे ये टी शर्ट इतनी कम्फी थी, लास्ट मिनट लेने का प्लान सही में, एंड आई जस्ट वॉन्ट इट फॉर 50 रुपीज़। तो द शॉप विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स लाइक यू नो दे रियली गिव अ गुड डिस्काउंट, आई आई हैव टू से दैट अगेन बिकॉज काफ़ी कम्फी है, इट्स लाइक वर्थ इट। मुझे चाहिए थी सिर्फ एक दिन के लिए, लाइक ओके सो एंड इट्स लाइक ट्राइड इट, मेरे टाइप की शर्ट है सो आई नो। ये चाय लेके आई है स्नेहा मेरे लिए ग्लास में, और ये पूरे बाबूजी भर के लाई ये है। तो सिग्नेचर स्टेप हो गया मेरा। मुझे पता है मैं चाय लवर हूँ, लेकिन इतना चाय। अरे यार गर्म होता है ना तो पीते 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 पता ही नहीं चलता, आयु खत्म हो गया क्या, ऐसे सोचते हैं। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, इसलिए मेरे साथ है कि ज्यादा ही ला देती हूँ। वैसे ट्रू। बन है और मैरी का स्पेशल एक दो जी है जिसमें टमाटर डाले हुए, टमाटो है, कैरेट है, बहुत ही हेल्दी है। आई दैट्स एक्चुअली ओके, वो ऐसे तो पकाते भी अच्छा है। है। हाँ पकाते हैं। पकाते भी है। तो मैरी ने बनाया भुर्जी और स्नेहा ने बनाई है चाय, एंड दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है। फिलहाल सोच रहे हम लोग साड़ी वाड़ी ट्राई करें, एंड लेट्स सी, आलसीपन हो रहा है, आलसीपन हो रहा है बहुत सारा, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि लिटरली वो बर्ड का व्यू सामने है, विच आई विल शो इट टू यू ऑल। देखते देखते टाइम कट जाता है यार। और यहाँ पे आ गई बन और भुर्जी जो स्नेहा लेके आई है, रुक मैं पैर फोल्ड करती मेरे पास। हाँ यहाँ पे आई है भुर्जी और ब्रेड। तू नहीं खा रही? मैंने खा ली, कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मेरे। नहीं नहीं ये उसने बाकी जो बचा था उसमें डाल के रखे, थोड़ा सा खा लो। ओके मैं भी बोल रही इतना सारा। आ गई भुर्जी और यहाँ पे हो गई चाय। चाय ज़्यादा पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। यहाँ पे मैगी बनी है, ऑफ कोर्स मैगी तो मेरी पसंदीदा है, इसको कौन ना बोल सकता है। अबे वो दांत दिखा रही है, आई एम सो सॉरी। अबे काट देगी वो तुझे, गुस्से में देखी पता है, उसके बच्ची को मैंने पकड़ा तो कहाँ है वो, ये देखी 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 देखी, ये देख इधर है। हाँ तो चलो देखते हैं, इतना डार्क क्यों आ रहा है।
आज लग रहा है हम जंगल में निकले और यही मज़ा आ रहा है। मतलब मैं ना यही चीज़ तो मिस करी थी तिरूर में। लाइक ये क्या है, करी पत्ता है क्या? अरे चलो बाहर चलते हैं ना, उस तरफ से। करी पत्ता नहीं है ये। अरे यार ये करी पत्ता ही है। मैं ही ना, खुशबू नहीं आ रही उसकी। सुनो तुम्हारा नाक बंद रहेगा, सुनो। करी पत्ता है ये। ये हाँ देख के पता चल जाता है करी पत्ता। किधर जा रहे हो? रास्ते पे। कौन सा रास्ता? फील्ड। चड्डी पहन के जा रही है वो। देख मेरे को तो आदत है शॉर्ट्स में चलने की, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एरिया अच्छा है यार, ये एरिया मस्त है। हाँ ऐसे निकलने का मजा ही कुछ और होता है। जैस्नी को भी ला लेना था। मुझे लगा वहाँ कोई कुत्ता बैठा है, वो देख। तो पता नहीं इस नियम को कहाँ खेतों में लेके जा रही, हम तो लोटा भी लेके नहीं आए। स्नेहा गलत बात, किधर खेतों में लेके जा रही है? इधर रात को आना चाहिए, मजा आ जाएगा। खेत में मरने थोड़ी जाता है इंसान। चल करते हैं। पता है उसने मुझे इस कमी ने क्या किया पता है? ये इसमें डूबेगी तुझे लगता है? सीरियसली हाथ पैर में इसमें नहीं, नहीं आती। चलो और कहीं चलते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ घुस रहे आज हम लोग। जिसके घर के सामने जहाँ जाना है चल रहे हैं, बेवकूफी पागलपंती कर रहे हैं। मेरा पैर क्यों चिल्ला रहा है भाई, ब्रेकअप हो गया क्या? वहाँ वहाँ लगा रखा है, रो रहे रोंदू। चंदा भी दीवानों से तेरा। थंबनेल पिक्चर आजा स्नेहा। ये रही छोटू से चिन्नू से वो। हाँ का हुआ? आजा आजा बच्चा आजा छोटू। एक और कहाँ गई? एक और भाग। हम लोग मार्ट में आए हैं और यहाँ पर ले लिया है ये, और चलते हैं चल लेंगे। हाँ फेस। हाँ आई डिडंट टेक फेस, यू वांट मी टू टेक? इट्स ओके इफ आई टेक योर फेस? भाई वो गुस्से में होगी। आई डोंट नो, मैं फेस यूजुअली बिना परमिशन के नहीं लेती। चलो अपना फेवरेट। हाँ दिल भी ठंडक पै गई। तो चलो अभी हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है तामरशिरी से। हम लोग अभी निकल रहे हैं टू तिरूर या तानूर, जहाँ पे भी स्टेशन नज़दीक है और जिस हिसाब से हमको ट्रेन मिलती है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ट्रेन के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा एक्चुअली। और यहाँ पे दोनों खड़े हैं और निकलते हैं यार। चलो हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड पे। अभी हम लोग यहाँ से बस पकड़ेंगे टू कोड़ीकोड, एंड कोड़ीकोड से हम जाएंगे तिरूर या तानूर, डिपेंड करता है कहाँ पे। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ट्रेन की टिकट पे डिपेंड करेगा एंड दूसरा ये कि बस कब कितने बजे हमको स्टेशन पहुँचाएगी। तो लेट्स सी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो आफ्टरनून में हमें बस तो मिल गई थी, लेकिन ट्रैफिक भाई बहुत था, बिकॉज ओणम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था शाम में, एंड हमें 7:30 लग गए पहुँचते पहुँचते। पहुँच गए हैं कोड़ीकोड बस स्टैंड, एंड यहाँ से हम लोग कुछ खाएंगे। बस स्टैंड से निकलते ही रेस्टोरेंट में निकल गए, वहाँ पे हमने सोचा कि हम कुछ खा लेंगे। ओले सो क्यूट बच्चा, हाउ आर यू? हेलो हेलो हेलो, इट्स सो क्यूट। यहाँ पे आ गए चिकन कढ़ाई और पराठा। तो फाइनली हमने ऑटो ले लिया है कोड़ीकोड रेलवे स्टेशन के लिए, एंड द चार्जेस सीम टू बी 30 आई गेस। सही है, जेन्युइन है। शाम में 30 रुपीस मिलना मतलब बड़ी बात है, यूजुअली 50 चार्ज करते हैं। तो हम पहुंच गए, लेकिन भाई क्या रश है यार, मतलब सीरियसली यार रश क्या तगड़ा है। अभी पता नहीं 8:05 को ट्रेन है और 7:45 हो रहे हैं,
लेट्स सी ये लाइन खत्म होती है नहीं, या तो फिर कहीं और से लेना पड़े ले लेते फाइनली। सो फाइनली ट्रेन में पकड़ लिए और लिटरली बहुत आगे था डब्बा, भाग भाग के आए, भाग भाग के आए, बहुत ही आगे था डब्बा। सो बाय 9 वी थिंक विल रीच एंड फिर वहाँ से हम लोग हमारे अकोमोडेशन जाके सो जाएंगे डायरेक्ट। तो चलो पहुंच गए तिरूर, लेकिन क्या चली है तेज, इंटरमीडिएट स्टेशन पे तो रुकी भी नहीं है, मतलब चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या एक्सीडेंट निकाल रही हो भाई। तिरूर स्टेशन से हमने पकड़ा ऑटो जिसका चार्ज था 80 रुपीज। तो अभी 4th of September है और रात के 9 बज रहे हैं और ये सीरियसली बस पकड़ रहे हम लोग, नहीं है नहीं रुकेगी, खाली है ये, नहीं 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 वहाँ नहीं जाइए, छोड़ दे। और फिर हम ना ना करते करते आखिरकार वही बस में चढ़े जो खाली थी और वहाँ से कुछ हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मेला लगा हुआ था, वहाँ पे हम चले गए और उसने हमको एग्जैक्टली वहीं पे ड्रॉप किया। तो आज है 4th September ना, तो आज है 4th September और रात के बज रहे हैं 9:30। मैं दिखा देती हूँ, फिलहाल हम लोग तिरूर से कोड़ीकोड़ से तिरूर पहुँचे थे और घर पे बैग रख के हम फिर से बाहर आ गए क्योंकि ये मौका वापस नहीं मिलेगा, इसके बाद हम वायनाड वगैरह जाएंगे तो ये चीज़ मिस हो जाती, तो एक बार जाना तो बनता था एंड आप लोगों को भी दिखाना था यहाँ का कैसे होता है। तो चलो चलते हैं, कैन सी रात के 9:30 और हम यहाँ पे, ओ भाई दिस इज ऑसम। अपने को टिकट लेना है, इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है लाइक GST, एक्स्ट्रा चार्ज, फलाना ढिमकाना। एंट्री फी जो है वो 60 रुपीज पर पर्सन है जो कि लाइक ठीक ठाक है, क्योंकि जैसे हम एंटर करते हैं वहाँ पे जानवरों के जितने भी हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह और साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगाकर एकदम रियलिस्टिक सा बनाया हुआ था, यानी कि एकदम जू वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम मेले में हैं, स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा था कि जू वाली वाइब आ रही थी। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँचते तो शायद हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते, बट हम लोग 9 बजे पहुँचे और 10 बजे तक वो क्लोजिंग टाइम था, ऊपर से वहाँ पे बहुत सारा शोर था तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, ये भी बहुत ही था, बहुत कुछ मैंने कैप्चर किया फिर भी। यहाँ पे जो था वो आर्ट गैलरी था, मतलब जितने भी आर्ट वगैरह सब कुछ थे। शोर है यहाँ पे तो आई डोंट नो, आगे ब्लॉग में सिर्फ सिनेमैटिक डाल दूंगी और 10 बजे का इसका क्लोजिंग टाइम है, वैसे बाय द टाइम ये जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक शायद ये ख़त्म हो चुका होगा, बट स्टिल। फिर जैसे हर मेले में होते हैं मिठाइयाँ होती है और तरीके के अचार वगैरह होते हैं या कॉटन कैंडी होती है या फिर ये सेल्फी तो हमारी बनती है, फिर जितने भी राइड्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ। तो इसमें कहीं पे जाइंट व्हील में जेट स्की पर हमको नहीं दिख रही है कहाँ पे। अपनी जेस्टी पूरे इसमें अकेले घूम रही है, अभी घूमने वाली ऊपर जा जाके नहीं दिख रही है वो इतना पीछे जाके बैठी है, येलो पे तो बैठती नहीं दिख रही है वो, नहीं दिखी दिखी दिखी। चल रही हमारी आइसक्रीम, तो 10 बज रहे हैं और 10 बजे सारा क्लोज हो जाता है, हम आइसक्रीम लेके निकल गए, बड़े गरीब लोग हैं हम लोग, सही से एक्सप्लोर करने मिला नहीं, अकेले आ नहीं सकते हैं क्यों, जब मैं अकेले अब लड़के ताड़ रहे हैं वो तो है, उनका काम है ताड़ना, यहाँ पे सब ताड़ेंगे, वो तो हाय भी बोल रहे हैं पता है, गाना भी गा रहे थे, मैं जब आ रही थी तब लड़के पैदा होते ताड़ने के। बज रहे हैं रात के 10:15 और हम लोग अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, और यहाँ से हमारा घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इधर से हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है एंड रात का मजा ही कुछ। चलो हम लोग घर पे पहुँच गए हैं और अभी बाकी का व्लॉग मैं सुबह में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया है और अभी व्लॉग को एंड नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है, ये उसी दिन का है बट एट द सेम टाइम वो व्लॉग लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वहीं पे स्टॉप करके वहीं से आगे से कंटिन्यू करके 3rd day का बना दूंगी। तो मिलते हैं आपको कल सुबह और चलते हैं स्कूल में, जल्दी जाना है अभी, फिलहाल जाऊंगी नहाऊंगी और सो जाऊंगी। खुल खुल खुल।
पूरा खोल, ऊपर का भी खोल। ये? हाँ ये मैंने गोवा में लिया था ये। सी इस पे आराम से चाय वाय बन जाती है। एंड ये सिलेंडर है, इसका मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया है। ये क्या है? इसमें लाइटर भी है बाय द वे, ये देख, ये लाइटर है और ये ना फ्लेम तेज और स्लो करने का है। एंड दिस ये सपोर्ट रखने के लिए उसको। चालू हो सकता है? हाँ ये लगा है तो चालू होगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस क्योंकि ये थोड़ा कम है ना, लाइटर है। तो क्या करना होता है? सिलेंडर उसको कनेक्ट करना है एंड सिलेंडर कनेक्ट करने के बाद लाइटर लगा के चालू कर लेना है। इधर ये सिलेंडर का है, वो पाइप है, कनेक्टेड है। ये जो है ना ये खुलेगा यहाँ से, ये जो है ये सिलेंडर है इसलिए ये फ्लेम तेज और लो है। हाँ ऊपर खींचना है उसको। मैंने ना एक और सिलेंडर लाने वाली थी गोवा से, मैंने चार ऑर्डर किए थे। मैं यहाँ आते वक्त एक ही लेती क्योंकि जगह नहीं थी बैग में। खुलता है, खुलता है। ये शायद मुझे केरला में भी मिल जाएगा। जोर से ताकत लगा। हाँ नहीं तुझे पूरा नहीं ले रही मैं। इसको ऐसे डाल ना। हाँ ध्यान से, वो एक बार गैस लीक हो जाएगा प्रेस किया तो। हाँ गैप से करके लॉक करना है फिर चालू कर देना है। हाँ वो बंद कर, वो बंद कर गैस है वो। हाँ वो खुलते ही गैस फैल जाता है। ओपन है वो, मैंने कनेक्ट किया था। कूल राइट? सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली है ये। दिस इज ओनली फॉर 550 और ये अलग से 400 में मैंने चार लिए थे सिलेंडर, यानी कि 100 रुपीज ईच। ये क्या है? वो पाइप है उसका, कनेक्ट करता है वो। जब तू लाइटर करती है ना तो चिंगारी देता है। काफी काम का है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना कैंप के लिए मैं ये यूज करती हूँ। और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है बैग में। मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना मैं स्टोव लाई, सबके दिमाग में पता है वो वाला स्टोव घूमता है। तेरे भी दिमाग में वही आया ना? हाँ वो एक आता है।